दोस्तों, भारत के नए संसद भवन में लगे हुए अखंड भारत के नक्शे को लेकर लगातार जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में कुछ ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई जो बताती है कि ये विवाद अभी और आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तीन भारत के ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अखंड भारत के नक्शे से तकलीफ हुई है। लगातार इन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने इस नक्शे के खिलाफ कई विवादित बयान दिए। हमारे देश के अधिकारी अभी तक इन सभी विवादों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब देखा गया कि यह विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आगे आए और उन्होंने इस पर खुलकर पहली बार मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने और हाल ही में इसको लेकर और नेपाल, बांग्लादेश की तरफ से क्या अपडेट आ रही है, हमारी आज के इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस खबर के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं नेपाल से। कुछ वक्त पहले 4 दिवसीय दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत आए थे और उनके भारत पहुंचते ही नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि नए संसद भवन में अखंड भारत का जो नक्शा लगा हुआ है उसमें भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल को उसी का हिस्सा बताकर हमारे देश की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को भारत के प्रधानमंत्री और बाकी अधिकारियों से इस पर जवाब मांगना चाहिए और इसकी कड़ी निंदा भी करनी चाहिए। पिछले कुछ वक्त से भारत और नेपाल के संबंध वैसे ही खट्टे पड़ते जा रहे थे। हमने आपको हमारी पिछली कई रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में गोरखा सोल्जर्स, चीनियों द्वारा बनाए गए नेपाल के 2 एयरपोर्ट्स और साथ ही साथ लैंड स्वैप जैसे कई मुद्दे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को खराब करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब प्रचंड वापस अपने देश गए तो वहां जाकर उनके सुर बदले हुए नजर आए। हालांकि अपोजिशन लीडर ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन बावजूद इसके जब प्रचंड अपने देश आए तो उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने इस बारे में बात की हुई है और भारत का ऐसा कहना है कि यह एक हिस्टोरिकल और कल्चरल मैप है, ना कि कोई पॉलिटिकल मैप है, इसीलिए इसे पॉलिटिकल वे में ना लिया जाए। ये कहकर पूरी तरीके से पुष्प कमल दहल ने इस मामले से किनारा कर लिया है। लेकिन ये मामला तब भी शांत नहीं हुआ। संसद में लगे हुए अखंड भारत के नक्शे का जवाब में काठमांडू के मेयर ने अपने ऑफिस में बकायदा एक हिस्टोरिकल ग्रेट नेपाल का नक्शा जारी कर दिया। फिलहाल भारतीय अधिकारी ने इसके ऊपर कोई खास टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद इसके ऊपर सफाई दे चुके हैं तो बाकी लीडर्स क्या कहते हैं या क्या करते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बांग्लादेश में उठे विवाद की तरफ। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर के स्टेट मिनिस्टर मोहम्मद शरियार आलम ने अपने देश की मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा है कि हमने फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए दिल्ली हाई कमीशन की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से इस मुद्दे पर एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांगा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री की तरह अपने आप को इस मुद्दे से किनारे करने की कोशिश की है। ना तो उन्होंने ये कहा कि भारत में लगे अखंड भारत के नक्शे का वो विरोध करते हैं और ना ही उन्होंने इस विवादित मुद्दे का समर्थन किया है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल भी देख सकते हैं। अवामी लीग जो फिलहाल बांग्लादेश की सत्ता को संभाल रही है, उस पार्टी के अलावा बांग्लादेश के अपोजिशन में मौजूद सभी पार्टी के लीडर और बाकी मेंबर्स भी खुलकर अखंड भारत के नक्शे पर बयानबाजी कर रहे थे, जिस वजह से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आखिरकार हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया से रूबरू हुए और इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस नक्शे को हमारे पड़ोसी मुल्क अखंड भारत का नक्शा समझ रहे हैं वह असल में हमारा एक हिस्टोरिकल मैप है, जिसमें अशोका एम्पायर की ताकत को दिखाया गया है। अशोका एम्पायर इतिहास में अपनी जड़ें जितनी दूर तक फैला चुका था, ये नक्शा उसी का उदाहरण है, इसीलिए इसे एक पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी फ्रेंडली नेबरहुड है वो इस बात को जरूर समझेंगे। हालांकि मुझे ये बताया गया है कि उन्होंने हमारे इस एक्सप्लेनेशन को काफी अप्रिशिएट किया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान के ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही कड़े शब्दों में बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से वो कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है, क्योंकि एस जयशंकर को ऐसा लगा था कि बाकी कोई मुल्क समझे या ना समझे, पाकिस्तान तो जरूर समझेगा, क्योंकि उस देश में तक्षशिला नाम की जगह मौजूद है जो अशोकन एम्पायर के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरह से भारत के पड़ोसी मुल्कों ने भारत के अशोक एम्पायर का इस तरह से विरोध किया है, क्या आपको लगता है इससे भारत और इन देशों के साथ रिश्ते खराब होंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।